जो कैंडिडेट अभी 12 पास है और 18 प्लस अपनी एज रखते हैं, उनका सपना है दिल्ली पुलिस में आने का, उनके पास आज से देखे तो पूरा टाइम है अपने पूरे सिलेबस को कवर करने में, प्लस बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप अभी से अपनी तैयारी में जुट जाइए और इस साल वर्दी अपने नाम कीजिए। हेलो एवरीवन, दिस इज भाग्यश्री, होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। कमेंट सेक्शन में काफी सारे स्टूडेंट का कहना था कि मैम हमें सजेस्ट कीजिए कि क्या 2024 में दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल की वैकेंसी आएगी, क्योंकि 2023 में काफी सारे स्टूडेंट्स के सपने टूटे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी बट फिजिकल एग्जामिनेशन उनका पास नहीं हो पाया। कई ऐसे कैंडिडेट थे जिनका लास्ट तक भी डॉक्यूमेंट रेडी नहीं थे, उनमें से मेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो स्पेशली उनके पास लाइसेंस नहीं थे। बहुत से कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने फिजिकल एग्जामिनेशन के इवेंट तो पास कर लिए थे बट उनके पास में लाइसेंस नहीं था, कईयों के पास डिजी लॉकर था, वो वहां पर अलाउ नहीं हुआ, जिस वजह से कैंडिडेट यहां पर बाहर हो गए। बहुत से कैंडिडेट अपनी पूरी क्षमता रखने के बावजूद यहां पर बाहर हो गए थे। तो अब स्टूडेंट्स का ये कहना है कि मैम ये बताइए कि क्या वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। दूसरी ओर अगर हम बात करें 2023 के रिजल्ट की तो साफ साफ देखा जा रहा है, 2023 का अगर आप रिजल्ट देखते हैं तो 571 सीट केवल और केवल आपके रिजल्ट में यहाँ पर वेकेंट है। उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो आपकी वैकेंसी आई थी 7547, जिसमें से भी 6500 को यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। 1000 मेल कैंडिडेट को 4 मार्च को ज्वाइनिंग दी जाएगी एंड 1000 फीमेल कैंडिडेट को 8 मार्च को ज्वाइनिंग दी जाएगी। रिमेनिंग कैंडिडेट को यानी कि रिमेंडिंग 4500 को 1 जुलाई तक यहां पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो 7547 में से भी 6500 को ही यहां पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी सारी सीट यहां पर वेकेंट रही हैं। उसके साथ ही साथ 118 कैंडिडेट आपके विथ हेल्ड में यहां पर रखे गए हैं। अब विथ हेल्ड की अगर मैं बात करूँ तो विथ हेल्ड के बारे में कोई भी कुछ फिक्स बात नहीं कह सकता, क्योंकि विथ हेल्ड कैंडिडेट में सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी का थंबप्रिंट नहीं चलता है या किसी का एग्जामिनेशन में कुछ काम नहीं हो पाता। तो उस वजह से विथ हेल्ड कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो जैसे जैसे कैंडिडेट को क्लीन चिट मिल जाती है वैसे वैसे उनको ज्वाइनिंग दी जाती है। तो विथ हेल्ड के बारे में अभी तक कोई फिक्स बात नहीं की जा सकती। अब हम बात करते हैं कि क्या आपकी 2024 में वैकेंसी यहाँ पर आएगी। तो मैं बात करती हूँ, कुछ लोग आपको ये कहेंगे कि अभी तक MHS से कोई नोटिस जारी नहीं हुआ तो वैकेंसी नहीं आएगी। कुछ लोग आपको ये कहेंगे कि भाई अभी आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव हो जाएंगे तो वैकेंसी नहीं आएगी। तो देखिए, चुनाव का, आचार संहिता का और अगर MHS की नोटिस की अगर हम बात करूँ तो इनका किसी भी हिसाब से वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं है। वैकेंसी जैसे ही आएगी वो एकदम से आपको SSC की साइट पर देखने को मिलेगी। आप अपने आप में रेडी रहे, क्योंकि वैकेंसी आने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है स्टाफ की शॉर्टेज और स्टाफ की रिक्वायरमेंट भी हैं, और रिक्वायरमेंट केवल और केवल दो बातों पर डिपेंड करती है। पहली बात तो ये प्रमोशन और दूसरा हम बात करें तो रिटायरमेंट। रिटायरमेंट आप देखते हैं हर साल बहुत से दिल्ली पुलिस के जितने भी स्टाफ है उनमें बहुत से स्टाफ रिटायर होते जाते हैं एंड बहुत से ऐसे कांस्टेबल होते हैं जो जिनका प्रमोशन हेड कांस्टेबल में हो जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांस्टेबल की सीट यहां पर वेकेंट हो जाती है। भले ही दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल सबसे निम्नतम श्रेणी का ऑफिसर माना जाता है बट हर ब्रांच हो, चाहे यूनिट हो या DAP हो या किसी भी प्रकार की प्रशासनिक शाखा हो, वहाँ पर कांस्टेबल उसकी अहम इकाई मानी जाती है। बिना कांस्टेबल के कोई भी काम करना यहाँ पर संभव नहीं है। तो कांस्टेबल की हर जगह बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, रिक्वायरमेंट होती है। थाने में भी अगर हम देखें तो बहुत से काम ऐसे होते हैं जो बिना कांस्टेबल के नहीं हो पाते। ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांस्टेबल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी वैकेंसी आएगी तो कब तक आएगी। तो इस चीज़ की तो श्योरिटी है कि आपकी वैकेंसी आएगी 2024 में, आपकी वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। और अगर मैं देखूं तो कब तक आएगी, जैसे पिछली नोटिफिकेशन मैंने आपको सितंबर में बताया था, तो इस बार भी चांसेस हैं कि आपकी वैकेंसी अगस्त से सितंबर के बीच में आए। पर इतना ज़रूर होगा कि जिन कैंडिडेट को पिछली भर्ती में टाइम नहीं मिला था उनको इस भर्ती में पूरा टाइम यहाँ पर मिल जाएगा, यानी आपकी वैकेंसी एक निश्चित समय में सही तरीके से यहाँ पर होगी। वैकेंसी आपकी 4000 से लेकर 5000 के बीच में सुनने को आ रही है, और ये वैकेंसी कम ज़्यादा भी हो सकती है। ये तो केवल और केवल जब नोटिफिकेशन आएगा तो ही आपको इस चीज़ का प्रूफ मिलेगा कि कितनी वैकेंसी आई हैं। अब वो सारे कैंडिडेट जिनका 2023 में सिलेक्शन नहीं हुआ था वो अपनी तैयारी में जुट जाए, अपनी रिटर्न एग्ज़ाम को अच्छे से अपीयर होने के साथ ही साथ आप अपनी फिजिकल एग्जामिनेशन की भी अच्छी तैयारी कीजिए।
लीजिए और फिज़िकल एग्जामिनेशन की शुरुआत आप अभी से ही कर लीजिए। आप अपनी फिज़िकल एग्जामिनेशन में वॉक से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। जितना ज़रूरी आपको शुरुआत करना है उतना ही ज़रूरी है चीज़ को रेगुलर करना। तो आप नॉर्मल मॉर्निंग वॉक से लेकर रनिंग तक की आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो जिससे क्या होगा आपका शरीर खुल जाएगा और आप इसमें अपने आप में प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये तो सारी बात थी आपकी वैकेंसी को लेकर, और अब से आप अपनी तैयारी में जुट जाएंगे तो ज़रूर आप इस बार अपनी वर्दी हासिल करेंगे। वो सारे कैंडिडेट जिन्होंने 12th पास कर रखी है और वो चाहते हैं दिल्ली पुलिस में आना, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप अभी से अपनी तैयारी में जुट जाइए और इस साल वर्दी अपने नाम कीजिए। जो कैंडिडेट अभी 12th पास है और 18 प्लस अपनी एज रखते हैं, उनका सपना है दिल्ली पुलिस में आने का, उनके पास आज से देखे तो पूरा टाइम है अपने पूरे सिलेबस को कवर करने में प्लस उसका रिविज़न करने में। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा क्योंकि आपके पास में बहुत सारा टाइम है और आपको इस चीज़ की अपडेट भी है कि वैकेंसी आएगी और आपका इस बार वर्दी को पाने का सपना पूरा हो जाएगा। तो होपफुली वैकेंसी को लेकर आपके सारे डाउट यहाँ पर दूर हुए। इसके अलावा अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा। समय मिलने पर आपके प्रश्नों का जवाब कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।